खबर जालौन से है। जालौन कुठोद थाना क्षेत्र के ग्राम मदारीपुर में सराफा व्यापारी के घर करोड़ों रुपए की डकैती के मामले ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। डकैतों ने सराफा व्यापारी की दुकान के शटर को गैस कटर से काटा, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बदमाशों ने सराफा व्यापारी की दुकान व घर को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवर लूट कर वे फरार हो गए। बदमाशों ने घर में मौजूद माँ बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कुठौंद पुलिस की सूचना पर क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक रवि कुमार को दी गई। भारी पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा मामले की जांच पड़ताल की। मदारीपुर गांव में कालपी रोड पर स्थित बेनी प्रसाद ज्वेलर्स के नाम से सराफा व्यापारी कपिल सोनी के घर रात में बदमाशों ने असलह के दम पर करोड़ों रुपए सोना चांदी के आभूषण की लूटपाट की। आहट सुनकर कपिल सोनी की मां किरण और छोटा भाई सागर सोनी की आंखें खुल गई। बदमाशों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और इत्मीनान से लूटपाट करते हुए मौके से भाग गए। कपिल सोनी का कहना है कि शादी समारोह में शिरकत करने के बाद रात्रि 11 बजे वापस आने के बाद परिवार के साथ सो गए और उसी दौरान बदमाशों ने गैस कटर के माध्यम से दरवाजे को काटा और घर में तथा दुकान में रखी 1 किलो सोना चांदी, भारी मात्रा में चांदी के आभूषण लूट कर भाग गए। कपिल ने बताया कि रात्रि लगभग 1:30 बजे बदमाश ने उसकी मां किरण को और भाई सागर को कमरे में बंद कर दिया। रात्रि लगभग 3:30 बजे के आसपास पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भाग गए। जैसे तैसे सागर ने दरवाजे को लात मारकर खोला। सराफा व्यापारी कपिल के घर व दुकान में जिन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, बदमाशों के द्वारा जिस गैस कटर से घटना को अंजाम दिया गया था, वह कटर घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कपिल सोनी सराफा व्यापारी के यहां 1 किलो सोने के जेवरात तथा 50 किलो चांदी के जेवरात को बदमाशों द्वारा चोरी कर लिया गया। फॉरेंसिक टीम, सर्विस लांस टीम, एसओजी की टीम तथा पुलिस की टीमों को लगाया गया है। जल्दी से जल्दी इस चोरी की घटना का 100% अनावरण कर लिया जाएगा। भैया आपका? कपिल सोनी। कपिल सोनी, क्या हुआ है? रात को 1:30 बजे के लगभग जी, जब सभी लोग सो रहे थे, तो पीछे से किसी ने गेट को गैस कटर से काटा जी, अंदर एंट्री की, पापा मम्मी को एक कमरे में बंद कर दिया, छोटे वाले भैया को ऊपर छत पे बंद कर दिया जो ऊपर लेटा था कमरे में। इसके बाद वो दुकान के पीछे जो स्टॉक रूम है उसमें घुसे, उसके नीचे एक तलघर है, उससे पूरा माल निकाल लिया, स्टॉक रूम से पूरा माल निकाल लिया, जो भी था सब पूरा वो ले गए हैं। स्टॉक कितना था वो सीए साहब आ रहे हैं, वो बताएंगे। लगभग बता रहे थे 1 किलो सोना और 1 क्विंटल लगभग चांदी। कुछ कैश भी किया है? कैश का भी रोकड़ मिला ही नहीं थी। रात को हम लोग बाहर से आए थे, ज़्यादा थके हुए थे, सो गए। कैश का भी रोकड़ मिला ही नहीं है, तो कैश का भी पता नहीं है कितना है। कैश के चक्कर में वो दुकान की जो डायरियाँ होती थी वो एक बैग में बंद थी, वो कैश के चक्कर में वो डायरी के 4 बैग ले जा चुके हैं। जो डायरी दुकान की थी मेंटेन वाली, कि किसका क्या जमा है, लेना है देना है, वो सब लोग वो ले जा चुके हैं। वो कैश की समझ में, डायरी से उन्होंने कैश समझा, वो झोले में थी, वो सब उन्होंने उठाया और निकाल लिया। सर, कुठौन थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी के यहाँ चोरी हुई है सर, क्या आप मौके पर पहुँचे हैं? क्या पूरी आपने तफ्तीश की, क्या जानकारी? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बैकग्राउंड में ये दुकान है, कि श्री कृष्ण मुरारी जी हमारे साथ हैं, इन्हीं की दुकान है। दुकान से ही लगा हुआ, इनके पीछे मकान है, पीछे मकान के पीछे जो इनका गेट लगा हुआ था, गेट की कुंडी को काटा है। दो चोर जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, दो चोर रात्रि को 1:30-2 बजे के आसपास में घुसे हैं और पीछे से कुंडी को उन्होंने काटा है, गैस कटर संभवतः इस्तेमाल किया है, और हल्की जो इतनी छोटी सी कुंडी थी उसको काट के घुसे हैं। उसके बाद अंदर आके इनकी एक जो कमरा था, वो दुकान में तो नहीं घुसे हैं लेकिन कमरे में से इन्होंने जो सामान रखा हुआ था, लगभग 1 किलो सोने का बना हुआ सामान बता रहे हैं और लगभग 50 किलो चांदी का सामान जो इन्होंने बताया है, 50 किलो चांदी और 1 किलो सोना ना, 1 किलो सोने का सामान इन्होंने बताया है वो चोरी हुआ है। वहाँ पे चोरों ने और जो इधर उधर कुछ मतलब खुले में जो गहने का सामान रखा हुआ था उन्होंने छोड़ दिया है, और ये दोनों चोरी करके फरार हो गए हैं चोर। और उन्होंने, जैसा कि इन्होंने बताया है, कि जब इस उठे बाद में देखा तो उन्होंने 1-2 कमरे के बाहर में कुंडी भी लगा दी थी, तो उस तरह से दोनों चोर घुसे, कुंडी 1-2 जगह कमरों की लगाई और जिस कमरे में घुसे सामान लिए, चोरी करके फरार हो गए हैं। हमारे द्वारा मौके पर अभी सभी परिवारजनों से भी वार्ता की गई है, साथ ही साथ हमारी फॉरेंसिक की टीम भी आ गई है। कुछ फिंगरप्रिंट्स भी जहाँ पे कुंडी इन्होंने बताया कि लगाए थे वहाँ, उन जगहों से भी फिंगरप्रिंट्स भी उठाए गए हैं। सर्विलांस की, एसओजी की हमारी टीम भी आ गई है, क्षेत्राधिकारीगण भी यहाँ पर हैं, और
टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा और सभी जो अपराधी हैं इसमें दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी कर रिकवरी 100% रिकवरी की पूरी कोशिश की जाएगी और इसके लिए जनपद की सभी बेस्ट टीमों को लगाया गया है।